हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीतू फूड ब्लॉग्स। आज की मेरी रेसिपी है सरसों का साग और मक्के की रोटी। सरसों का साग सर्दियों के सीजन में है तो यह पंजाबी सरसों का साग, लेकिन इसको एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए। खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप दूसरे साग खाना भूल जाएंगे। और मक्के की रोटी एकदम फूली फूली और बनाना बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम सरसों का साग बनाएंगे। तो इसमें इस सरसों के साग में इसका हीरो है सरसों, लेकिन सरसों के पत्ते, लेकिन इसमें पालक, बथुआ और मेथी भी पड़ती है। ये सारी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में पड़ती है और कितनी क्वांटिटी में डालने से बिल्कुल परफेक्ट सरसों का साग बनता है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस रेसिपी को बिना स्किप करें, आप स्टेप बाई स्टेप देखें कि कितना आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। ये सबसे पहले सारे सरसों, पालक, बथुआ और मेथी को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और एक छलनी में रख दिया कि इसका पानी निचोड़ गया। अब ये कितनी क्वांटिटी में पड़ेगा, अगर आपका एक किलो सरसों है तो ठीक उससे आधा आधा किलो पालक, और आधा किलो पालक से ठीक उससे आधा 250 ग्राम बथुआ, और 250 ग्राम बथुआ से आधा मेथी डालेंगे। मेथी सबसे कम डालेंगे तो 100 ग्राम के करीब मेथी है। इस तरह से हमारा एक किलो बथुआ, आधा किलो पालक, 250 ग्राम बथुआ और 100 ग्राम मेथी, ये हमारी सब्जियों को अच्छी तरह से मैंने काट लिया। अब काटने के बाद इसको कुकर में बना रहे हैं तो सारी सब्जियों को, सारे पत्तों को हम लोग कुकर में डाल लेंगे। ये वैसे खुले बर्तन में 2-3 घंटे 4 घंटे तक पकती है, लेकिन अभी समय वक्त कम होता है तो कुकर में भी उतना ही टेस्टी बनेगा। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए। सारी सब्जियों को मैंने एक साथ कुकर में डाल लिया। अब ये पत्तों में पहले से ही वैसे भी मॉइस्चर होता है, लेकिन मैंने पहले से ही चूँकि धो के और एक छलनी में रख दिया था तो इनमें पानी कम बचा है, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। वैसे ज़रूरत नहीं रहती पानी मिलाने की अगर आप तुरंत बनाएंगे। अब इसमें ये पड़ेगा 8-10 हरी मिर्च, जितनी क्वांटिटी का मेरा है मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 3 टमाटर मीडियम साइज के, और 7-8 कली लहसुन, और अदरक को बारीक बारीक आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरह करके टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इन सब्जियों के साथ में डाल लेंगे। मिर्च इसमें ज़्यादा ही ठीक लगती है, क्योंकि सरसों की वजह से मिर्च का थोड़ा सा टेस्ट कम आता है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 3 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला और 1 कप पानी डाला, क्योंकि मॉइस्चर कम था, ये इसमें पत्तों में सब कम था तो मैंने 1 कप करीब पानी डाल दिया। अब इसको कुकर में जितनी हमारी दाल पकने का जो टाइम होता है 3-4 सीटी के करीब आप इसको पका लें। अभी पकने के बाद देखिए इस तरह से हो गए। अब इसको बहुत अच्छी तरह से घोटना है। इसकी सबसे बड़ी सरसों के साग में इसको पत्ते को या साग को हमारे घोटना ही सबसे बड़ा इसमें टेस्ट आने का रीज़न होता है। अगर आप बहुत जल्दी में हो तो ब्लेंडर से या मिक्सी से कर सकते हैं, लेकिन इसको घोटने से अगर घोटेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि हम लोग अगर मिक्सी में डाल के पीसते हैं तो बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट बन जाता है, इसमें थोड़ा रहना भी चाहिए। और इस तरह करके मैंने इस अपनी घोटनी से ही लकड़ी के उससे सबके घर में दाल घोटने का या दही वगैरह हम लोग जो मथते हैं उससे, इससे मैंने करीब, भले ही रेस्ट करके आप करें तो 10-15 मिनट में अच्छी तरह से घुट जाती है। आप ये ना भी करना चाहें तो कोई नहीं, आप ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से पीस लें। ये आपके सारे टमाटर, जितनी भी हम लोग टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाली थी, ये पूरे इसी के साथ में बिल्कुल घुट जाएंगे। साग का सबसे बहुत अच्छा टेस्ट लाने के लिए सरसों का साग का इसके घोटने में ही सबसे बड़ा आर्ट है। तो अगर आप मेरी रेसिपी में या मेरी वीडियो में नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नई नई रेसिपी के साथ पर डे कोशिश करूँगी कि हर दिन मिलती हूँ, लेकिन कभी ना लगा चांस। तो इस समय सीजन में जो जो सब्जियाँ आती हैं वो हर सब्जी या अचार या पराठे के साथ में आप लोगों के साथ हर वीडियो में आऊँगी। अब इस तरह करके जैसे आपके पास इस तरह के मैशर से भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से, जैसे आप कैसे इसको मैश करना चाहेंगे,
ब्लेंडर से या मथनी से या मैसर से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह करके देखिए हमारी पूरी भाजी जो है अच्छी तरह से मैश हो गई। अब इसमें मैंने 2 चम्मच मक्के का आटा डाला। इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मक्के के आटे से जो टेस्ट आएगा, कोशिश करें कि मक्के का आटा ही डालें और अच्छी तरह से मिला लें ताकि इसमें कोई गांठ या कोई लम्स ना रह जाए। अब इसको एक बार गैस का फ्लेम ऑन करके एक बार फिर गैस में रख दीजिए। और इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया, ऊपर से पानी की वैसे इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ऊपर पानी अगर ज़्यादा भी हो तो उसको बिल्कुल ड्राई कर लें, और कम तो होता नहीं है क्योंकि पत्तों में ऑलरेडी पानी खुद होता है, तो ज़्यादा करके पानी कम नहीं पड़ता। अब इसको 5 मिनट पकाने के बाद अब इसको फ्राई करेंगे। मक्के का आटा डालने के बाद 5 मिनट पकाएं, इससे ज़्यादा नहीं पकाएं। या आपके इसमें ज़्यादा पानी हो तो उस पानी को बिल्कुल ड्राई कर लें। अब एक फ्राई पैन में मैंने सरसों के तेल से, आप सरसों के तेल से फ्राई करना चाहें या घी से, तो या आधा घी आधा तेल डालें, लेकिन मैंने सरसों के तेल में 1 चम्मच घी डाला है क्योंकि घी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है साग में। तो 1 चम्मच मैंने घी मिलाया और 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें सरसों का तेल डाला। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके, 8-10 कली लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको ग्रेट या बहुत अच्छी तरह से चॉप ना करें, बिल्कुल छोटा। अदरक को ग्रेट करके, क्योंकि उसमें भी मैंने अदरक और लहसुन मिलाया था भाजी पकाने के टाइम में, और ये फ्राई करने में भी थोड़ा सा ही इसे मिलाया, 1/2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है, और 10-12 कली, क्योंकि इसमें लहसुन ही बहुत अच्छी लगती है खाने में फ्राई में भी, तो लहसुन को बारीक बारीक काट के या चॉप करके ही मिलाएं तो उसका अच्छा टेस्ट आता है। और 8-10 खड़ी लाल मिर्च ये ज़रूर डालें, और 4 पिंच के करीब मेरी या 1/2 चम्मच के करीब हींग है, क्योंकि मेरी भाजी की क्वांटिटी काफ़ी है इसलिए उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। अब ये हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया अच्छी तरह से, लहसुन प्याज। अब इसमें हम भाजी मिला देंगे। ये घुटनी से इस तरह घुटने में बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बना, तो इस तरह से भाजी का जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन आप ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, टाइम की भी कम होती है इस समय, और बनाने में वक्त तो लगता ही है, लेकिन एक बार आप इसको बना के रख लेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने कुकर में भाजी घोट के रख दी, आप फ्रिज में रख लीजिए जब आपका खाने का मन हो, ये कम से कम 4-5 दिन चल जाती है। और इस तरह से फ्राई कर लें और गरम गरम भाजी मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी या टिक्कड़ के साथ आप इस तरह से खा सकते हैं। ये हमारी भाजी रेडी हो गई। अब हम मक्के की रोटी बनाएंगे। तो सबसे पहले मक्के के आटे में जो नए हैं उनके लिए सबसे सिंपल तरीका कि आपका जो आटा है उसको गूंदने के लिए गुनगुना पानी मिला लें, जिससे बिल्कुल सॉफ्ट डो आपका तैयार होगा। गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं और चम्मच से अच्छी तरह से मिला लें, एक साथ ना मिलाएं कि ज़्यादा हो जाए, या तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। और जिस तरह से गेहूं के आटे का हम लोग डो तैयार करते हैं उस तरह से इसका आटा तैयार करना है। जो जिनको बनाने की आदत है या जो बना लेते हैं आराम से, तो वो नॉर्मल पानी से, जैसे मैं हमेशा नॉर्मल पानी से ही बनाती हूँ, लेकिन ये जो न्यू है बिल्कुल मक्के का रोटी बनाने में, या लगता है कि मक्के की रोटी थोड़ा सा फटती है या टूट जाती है, तो वो गुनगुना पानी मिला लें, बिल्कुल आपका सॉफ्ट डो तैयार होगा। एक बार इस तरह से बना के देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपकी रोटी बन जाएगी। आप इसको बेल के भी बना सकते हैं या हाथ से बना सकते हैं, दोनों तरीके से बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। इस तरह करके आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंद लें, और इसका डो गूंदने के बाद 10 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख दें। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएं ताकि ज़्यादा ना हो जाए। तो डो तैयार होने के बाद इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें दानेदार थोड़ा सा होता है मक्के का, तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको जो है रोटी इसकी बनाएंगे, तो रोटी बनाने के टाइम 10 मिनट रेस्ट के बाद में ये आटा को अच्छी तरह से मैश कर दें, इस तरह से मसल मसल के बिल्कुल सॉफ्ट कर लें ताकि बनाने में आसान हो जाए।
और रोटी का साइज़ अपने हिसाब से कर लें। जैसे शुरुआत में जो फर्स्ट बनाता है या न्यू होता है, ये जिनको कम बनानी हाथ की रोटी आती है, तो छोटी छोटी रोटी बना लें, छोटी छोटी लोई लेके। और जिनको प्रैक्टिस है, जैसे मैं ज़्यादा करके मक्के की रोटी हो, चाहे बाजरे का हो, चाहे ज्वार का हो, जितना बड़ा तवा का साइज़ है मैं उतनी बड़ी साइज़ की बनाती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए छोटी छोटी रोटी, मीडियम साइज़ की, जो नॉर्मल गेहूं की रोटी बनाते हैं उतने साइज़ की मैं रोटी बना रही हूँ। इस तरह करके हाथ में दोनों तरफ पानी लेके और धीरे धीरे बिल्कुल आराम से बन जाती है। एक बार इस तरह से बना के देखिए। तवे का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रहे, ना ज़्यादा हाई, क्योंकि ऊपर से ये बहुत जल्दी जलने लगती है। तो थोड़ी सी नॉर्मल गेहूं की रोटी से तो मोटी होती ही है। तो इस तरह करके दूसरी रोटी के लिए भी आटे को अच्छी तरह से मसल लें। बनाने के पहले हर लोई को आप मसल मसल के ही बनाएं। रोटी का साइज अपने हिसाब से बना लें। इस तरह से देखिए, हाथ से बिल्कुल सिंपल है इसका बनाना। हाथ से, उंगलियों से और बीच की जो गदेली के सहारे से आप गोल गोल उसको दोनों हाथ से बिल्कुल प्रेस करके, और किनारे किनारे जहाँ लगे कि मोटा है या टूटने ना पाए, तो छोटे साइज की भी बना लें कि हाथ में आ जाए। और रोटी को दोनों तरफ तवा से, तवा में सेक के और इसको गैस में सेक लीजिए। तो मेरी रोटी देखिएगा कितनी फूली फूली बनी है। आप भी बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से फूली फूली रोटी बनेगी आपकी। मक्के की रोटी सरसों के साग के साथ, या आप चने की भाजी बनाएं, बहुत अच्छी लगती है। मक्के के पराठे भी बनते हैं। अगली रेसिपी में मक्के के पराठे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सर्दियों के मौसम में इस तरह का खाना बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। इस तरह से दोनों तरफ से पलटा के आप सेक लें। देखिए मेरी रोटी कितनी फूली फूली बनी हुई है। तो इस सिंपल तरीके से बनती है और एकदम आपकी मक्के की रोटी एकदम फूली फूली तैयार होगी। ये हमारी रोटी दोनों तरफ से बढ़िया से सेक गई। वैसे मक्के की रोटी हो या बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी या साग, इन सब सारी चीज़ों का टेस्ट जो है चूल्हे के जो होता है उसका टेस्ट अलग होता है। लेकिन अब सब कोई गैस में बनाता है या इस समय गैस में ही बनती है, तो आप गैस में भी इस तरह से बना सकती हैं बिल्कुल आराम से। बिल्कुल कठिन नहीं है, एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए कितनी आराम से फूल रही है रोटी, और बहुत अच्छी रोटी बनती है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। इस तरह से हमारे मक्के की रोटी बन गई और सरसों का साग तैयार हो गया। आप एक बार ट्राई करिए इस तरह से बनाने की, ज़रूर से ज़रूर बन जाएगी। ये हमारा साग तैयार हो गया। अब एक सर्विंग बाउल में सर्व करके इसको, रोटी में आप घी लगा लें या बटर लगा लें। मक्के की रोटी या सरसों का साग का घी और बटर में ही सबसे अच्छा टेस्ट आता है। हम लोगों ने फ्राई तो किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बटर मिला लें और आप अचार के साथ या सिंपल आप एक बार इस तरह से बना के देखिए। मक्के की रोटी और सरसों का साग तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। है तो ये पंजाबी खाना, लेकिन इस समय हर जगह मिल जाता है, और हम लोग जैसे यूपी के हैं लेकिन हमारे घर में अक्सर बनता है। तो हर सर्दियों में ज़रूर से ज़रूर हम लोग बनाते हैं। तो एक बार इस तरह से बनाइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करिए, और पूरी फैमिली के साथ सरसों का साग और मक्के की रोटी के साथ एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।